विश्व कप 2023 में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। इस विश्व कप में तीसरा उलटफेर पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार, अफगानिस्तान ने 8 विकेट से हराया। वनडे विश्व कप 2023 में यह पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार है। वहीं अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराने के बाद पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की है और बाकी टीमों को चेतावनी दी है। वनडे विश्व कप 2023 में उलटफेर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को इस विश्व कप में तीसरा उलटफेर हुआ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इससे पहले अफगान टीम ने इंग्लैंड को धोया था, जबकि नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट छोकर 282 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 49वें ओवर में 2 विकेट खोकर 286 रन बना लिए और 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। वहीं पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 74 रन बनाए और अब्दुल्ला सबीक ने 58 रन की पारी खेली। वहीं अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जार्दन ने 87, रहमत शाह ने नाबाद 77 और रहमतुल्ला गुरबाज ने 65 रन बनाए। कप्तान सहीदी ने नाबाद 48 रन बनाए। वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार है। वहीं अफगानिस्तान ने दूसरा उलटफेर करने के साथ ही अंक तालिका में बड़ी छलांग लगाई। अब यह टीम 6वें स्थान पर आ गई है, जबकि गत चैंपियन इंग्लैंड की टीम आखिरी पायदान पर है। इन तीन उलटफेर ने अंक तालिका और सेमीफाइनल के समीकरण को काफ़ी रोचक कर दिया है। नून ने लिए पाकिस्तान के महत्वपूर्ण 3 विकेट। सफीक ने इस मैच के 5वें ओवर में नवीनुल्लाह को शॉट को मिड विकेट सफीक ने इस मैच के 5वें ओवर में नवीनुल्लाह की गेंद पर मिड विकेट पर पुल के जरिए छक्का लगाया। यह इस विश्व कप में पावर प्ले के दौरान पाकिस्तान की ओर से लगाया गया पहला छक्का था। अच्छी शुरुआत के बावजूद नूर अहमद ने पाकिस्तान को सफीक और मोहम्मद रिजवान के रूप में 2 बड़े झटके दिए। बाबर और सऊदी शकील के बीच 43 रन जोड़े। बाबर बड़ी पारी की ओर जाते हुए दिख रहे थे, वहीं 69 गेंदों पर 8 शतक पूरा कर चुके थे, लेकिन नूर अहमद ने उन्हें भी आउट कर दिया। अफगानिस्तान से हारने के बाद पाकिस्तान की दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। अब उन्हें आगे के मुकाबले सभी जीतने होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।